दोहा, संयुक्त अरब अमीरात व सऊदी अरब समेत पड़ोसी देशों से चल रहा कतर का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद को लेकर पड़ोसी देशों ने कतर पर तमाम तरह के बैन लगा दिए हैं, बावजूद इसके कतर झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में कतर की दृढ़ता के पीछे कुछ और नहीं बल्कि खुद उसके नागरिकों की देशभक्ति है। कतर के प्रति देशभक्ति का एक मामला तब सामने आया है जब वहां के एक कारोबारी ने 4,000 गायों को हवाई जहाज की मदद से अपने देश तक पहुंचाने का फैसला किया। ब्लूमबर्ग की एक खबर के अनुसार इन गायों का आयात करने का उद्देश्य देश में ताजे दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र व बहरीन ने कतर पर आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश बताया है, जिसके बाद इन देशों ने उससे सभी आर्थिक व कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं। यहां तक कि इन देशों ने कतर के लिए अपने हवाई मार्गों को भी बैन कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कतर दूध और अनाज समेत अन्य रोजमर्रा की कई घरेलू वस्तुओं के लिए काफी हद तक सऊदी पर निर्भर था। अब चूंकि पड़ोसी राज्यों से विवाद के चलते कतर में दूध समेत अन्य चीजों का संकट पैदा हो गया है, तो ऐसे में सऊदी अरब को करारा जवाब देने के लिए कतर के दूध व्यापारी मोहताज अल खयात ने 4,000 गायों को एयरलिफ्ट कर दोहा ले जाने का फैसला किया है। इतनी अधिक मात्रा में गायों को एयरलिफ्ट कराने के लिए एयरवेज को लगभग 60 उड़ानें भरनी होंगी। दरअसल इन गायों को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में खरीदा गया है। गायों को दोहा लाने के बाद उनको रखने संबंधी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मोहताज के अनुसार इस माह अंत तक यहां ताजे दूध का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कतरे में 2022 फुटबॉल का विश्व कप। कतर में ही 2022 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है। विश्व कप के सफल आयोजन के लिए कतर सरकार हर हफ्ते करीब 32 अरब रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, कतर अब खाद्यान्न का आयात करने के नए व्यापारिक मार्गों की भी खोज कर रहा है। हालांकि खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए ईरान ने कतर को आयात शुरू कर दिया है।